इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद की सदर कोतवाली पुलिस व एसओजी टीम को एक बड़ी कामयाबी उस समय मिली जब मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम ने क्षेत्र की गौरा बाजार पावर हाउस के पीछे से आधा दर्जन अंतर जनपदीय छात्र चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी की 31 लग्जरी गाड़ियां बरामद कर ली। पुलिस अधीक्षक की माने तो ये छात्र चोर रैकी कर कारों को चुराते थे और उनके इंजन नंबर व चेचिस नंबर को बदलकर फर्जी रजिस्ट्रेशन कराकर आम आदमी को बेच देते थे। फिलहाल अभी इनके आधा दर्जन साथी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है, जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। देखिए, आज एसओजी की टीम ने कोतवाली पुलिस की मदद से गौरा बाजार के पास चोरी की करीब 31 गाड़ियां, जिसमें नए ब्रांड की क्रेटा, होंडा सिटी, बलेनो और अन्य कई गाड़ियां भी शामिल हैं, ये गाड़ियां बरामद करने में सफलता प्राप्त की है और इस बरामदगी के साथ इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन 6 लोगों ने पूछताछ में बहुत से ऐसे तथ्य जानकारी मिलाए हैं जो बहुत कारगर हैं। ये गैंग गाड़ी चोरों का बहुत एक बड़ा गैंग है और जो गाड़ियाँ चोरी की गई हैं उनमें से काफ़ी गाड़ियाँ जो कनेक्ट हुई हैं वो NCR रीजन से कनेक्ट हुई हैं, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के आसपास के इलाकों से चोरी की गई हैं, लखनऊ से भी कुछ गाड़ियाँ चोरी हुई हैं और इनका जो कंजम्पशन है, इनका जो उन लोगों ने जो दिया है, इन गाड़ियों को बेचा है, वो लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों में कई लोगों को उन्होंने बेचा है। ये गाड़ियाँ रिकवर होने के बाद जब इन मजदूरों से पूछताछ की गई है तो उन्होंने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि उनके पास गाड़ी चोरी का बहुत ही एडवांस सिस्टम है, लैपटॉप के थ्रू या एक इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है गाड़ी के अंदर, आजकल ये सारी स्मार्ट गाड़ियाँ हैं, जब ये किसी गाड़ी को टोटल लॉस में खरीदते हैं उस गाड़ी का जो सैशन नंबर होता है वो काट के निकालते हैं और उसी गाड़ी का ECM भी निकाल लेते हैं और ECM किसी भी गाड़ी का आप समझिए दिल होता है और उस ECM की मदद से वो किसी भी नई गाड़ी को उसी ब्रांड की गाड़ी का, अगर क्रेटा का ECM उनके पास है तो दूसरी क्रेटा को बड़े आराम से ये खोल भी सकते हैं, ऑपरेट भी कर सकते हैं और उसकी सहायता से उस गाड़ी को चोरी करके और तुरंत उसका नंबर प्लेट बदलते हैं ये लोग और उसको अपने इनके जो कुछ गराज हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया उनकी जो कार्रवाई पूछ ली वहाँ ला करके वो सैशन नंबर बता जाता है, गाड़ी को थोड़ा डेंट पेंट करा करके उसको ब्रांड न्यू गाड़ी बना करके जो सेकेंड हैंड कार बाजार से वहाँ खड़ी करके इनको भेजा जाता है। इन गाड़ियों के पेपर भी बनाए जाते हैं ताकि खरीदने वाले को शक ना हो और पेपर जो रजिस्ट्रेशन पेपर जो नकली व्यक्ति बनाता है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है, उसका प्रिंटर भी हमारे पास है और उसके पास से इस तरह के कई फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड, स्मार्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड होते हैं उसके पास से बरामद हुए हैं। इनके कॉन्टैक्ट RTO ऑफिस में